अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज में। नहीं पिताश्री, नहीं नहीं नहीं। बेटी आज रख दे मेरी लाज में। बेटी मैं जानता हूं क्योंकि आज तेरी स्वर्ग जैसी जिंदगी में जिसको नरक बनाने के लिए मैं तेरे पास आया हूं, तेरी अमृत जैसी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आ गया और तेरा भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटाने के लिए आया हूं, तुझे आज अपना पति दान करना पड़ेगा बेटी। पिताश्री, एक औरत की मांग का सिंदूर उसके लिए सब कुछ हुआ करता है। अपनी मांग के सिंदूर के लिए एक औरत मर मिट जाती है और आप मेरी मांग का ही सिंदूर मिटाने के लिए आए हो, ये क्या अनर्थ करना चाहते हो? लेकिन पिताश्री, मैं सब कुछ जानती हूँ, आपकी बेटी के ऊपर सबसे पहला अधिकार आपका है। लेकिन जब से कहते हैं कि जब तक बेटा शादी के योग होता है तब तक माता पिता का अधिकार होता है, लेकिन जब पुत्र की औलाद की शादी हो जाती है तो माता पिता का अधिकार घट जाता है, इसलिए बेटी आज मैं तेरे पास आया हूँ। सुनिए मेरी बात। और हमारे परम आदरणीय सुभदार साहब रमेश जी, जिन्होंने पहले भी आशीर्वाद बहुत सारा ढेर सारा दिया, फिर से पंत मुझे आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। बाद में
मर्यादा हुआ करे सजान सजादा अड़कन कुल की मर्यादा हुआ करे सजान सजादा जिसने आज अपने धर्म पिता के लिए लाल रखी और अभी तेरी उम्र खेलने खाने की है लेकिन तूने आज एक सती और अच्छी औरत का जो प्रस्ताव तूने रखा है बेटी तूने आज मेरी और अपने कुल की लाज रख दिया तू धन है बेटी और कुछ कहना है क्या बताइए कहना चाहती हो अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में वो सारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में सारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में उस धर्म पिता का मान मर्यादा कुल की इज्जत बढ़ाती है
धन धन है तेरे ऐसे माता पिता जिनको ऐसे तुम्हें तुम्हें जिन्होंने संस्कार दिए हैं, और धन है बेटी तू दोनों कुलों की लाद रखी है। ऐसी बेटी के लिए ऐसे माता पिता के लिए सदन एक बार जोरदार तालियां बजाते हो, क्या बता दे अंतिम बात के माध्यम से आइए सब। Thank you.
पार्थक साहब जग्गू जी वो भी हमारे मध्य पहुंचे हैं। खटाना परिवार उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। आदरणीय जगविंदर खटाना जी वो भी हमारे मध्य पहुंचे बार बार धर्म करते हैं। और परम आदरणीय हमारे हेमराम खटाना जी रिठौर निवासी 21 रुपए से हमारी टीम को आशीर्वाद सम्मान देते बार बार धर्म करते हैं। प्रधान मोहनपुर निवासी हमारे घोड़ा राम साहब जी वो 11,000 रुपए देकर के हमारी टीम को आशीर्वाद सम्मान देते हैं। एक बार जोरदार तालियां साथियों घोड़ा राम जी के लिए सिटी साहब के लिए बहुत बधाई करते हैं। 11,000 रुपए हमारी टीम का सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं। बोलो भारत माता की आई हो समाज के अध्यक्ष हरीश जी हमारे मध्य पहुंचे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं। और गजरात सरपंच साहब जी हमारे बीच पहुंचे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों क्या बता दिया और सतीश जी ने बताया कि राज गुरु सिद्धदेव भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। कहने लगे कि माँ क्या आजादी कभी शाम नहीं होने देंगे, क्या आजादी कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बच्चे गर्म लहू की एक बिबू सीने में तब तक अपने भाते माता को ये नीलाम नहीं होने देंगे। आई ये बताया थी इसी बात में करमराज सरपंच साहब जी और सुशील बाबू जी जिन्होंने पहले भी आशीर्वाद सम्मान दिया और फिर से 5-5 रुपए सम्मान देते बार बधन करते हैं। हमारे पूर्व पार्षद हैं भाई विजय खटाना जी वो भी 5 रुपए से टीम को सम्मान देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए सदनों क्या बता दिया आदरणीय चंदन सरपंच साहब जी गांव सिरसा से वो भी 5 रुपए से हमारी टीम को आशीर्वाद सम्मान देते हैं। सरपंच साहब के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय यादराम सरपंच साहब जी जिनके यहाँ पर आज सत्यनारायण भगवान की कथा है और सभी के लिए प्रतिभोज और गायन वो भी 21 रुपए देकर के हमारी टीम को आशीर्वाद सम्मान देते हैं। एक बार जोरदार साथियों बहुत बधन करते हैं। आइए दोबारा
टुकड़े कर दे ओ वंदे प्रीति की बिरानी हो। अरे वो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के कहानी हो, वो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के कहानी हो। हमारे बाबा वेदराम जी खटाना साहब गांव वीर का गांव से 111 रुपए से हमारी टीम को आशीर्वाद सम्मान देते बार बखाना करते हैं। साथियों एक बार नारद जी भगवान शंकर के वहां पहुंच गए, वहां पर शंकर भगवान नहीं मिले, गौरा माँ मिली और कैसे अपने भाव दिखाए धन की उधर लगाने में, क्योंकि नारद जी सबसे महान माने गए हैं। पहली बात मैं ये बता दिया। एक भगत कैलाशपुरी में नारद जी चले आए थे, शिव शंकर कहीं गए हुए थे, मौका चोखा पाए थे, सैन सुतान पाद बैठा के यूं समझावन लाए थे। अमर कथा मेरे याद नहीं न्यू कहते बात लाए थे, अमर कथा मेरे याद नहीं न्यू बात हो, चाहे कोई सुख की बात हो, जहां भाई भाई में प्यार होता है वहां नाश होता है। पंपापुर के अंदर बाली सुग्रीव दो भाई हुए थे, एक भाई ने दूसरे भाई का बुरा चाहा तो बुरा हुआ, आइए भगवान राम के हाथ अंत हुआ, दूसरी कली के माध्यम से उस बाली और सुग्रीव का जिक्र कर दिया कि ये बता दिया। पंपापुर के बीच नीच भट बाली बलताई कहते, रोमा घर में खाले दईवा राजा अन्यायी कहते, हाथ पकड़ के बाहर का ध्यान सुग्रीव सगा भाई कहते, तिरमुख पर्वत पहुंच गए उड़ मिल गए रुगराई कहते, घर के चतानी हो।
हमारे बहुत ही समाज सेवी युवा नेता है भाई मनोज सहजाबाद से खटाना साहब, वो भी हमारी टीम के लिए 500 रुपए से हमारी टीम को आशीर्वाद सम्मान देते हैं। खटाना साहब के लिए बात बधन करते हैं। आइए साथियों तीसरी कड़ी के माध्यम से क्या बता दें किया कौरव पांडव खत्म करे रे, कौरव पांडव खत्म करे आपस की फूट मारी ने, दुर्योधन ने बुरी बिचारी उस पापी अहंकारी ने, सभा बीच मेरे नगन करे था जाके द्रुपद नारी ने, उस दुखिया की लाज बचाई आके कृष्ण मुरारी ने, अरे माँ भारत के युद्ध के अंदर, माँ भारत के युद्ध के अंदर होती कुल मगनी हो, लोग नहीं बसे दुनिया में विजय के जगानी हो, लोग नहीं बसे दुनिया में विजय के जगानी हो। सुबेदार धर्मपाल जी गांव लोटकी से, वो भी 500 रुपए से हमारी टीम को आशीर्वाद सम्मान देते हैं। हमारे भाई परम आदर श्यामवीर भामरा जी, वो भी 500 रुपए सम्मान करते हैं। हमारे सरपंच साहब जी सौरा सरपंच साहब दमदमा से, और हमारे आदरणीय खेमचंद खटाना जी गांव रिठौर से, और हमारे प्रताप सरपंच साहब जी गांव रिठौर से 500 रुपए से आशीर्वाद सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों अंतिम बात के माध्यम से केवल देखें दिया सुपन खाकी शिक्षा लगी, सुपन खाकी शिक्षा लगी उस रावण का सुकंदर के, सीता जी ने हड़के लेगा भाव बदल के अंदर के, सोने की लंका जड़वा दी जो बस्ती बीच समंदर के, नंदलाल कहे चित मान सिंह के गुण वर्णों से बंदर के, नंदलाल कहे चित मान सिंह